Poco F1, Poco F1 ये फोन आ गया है मार्केट के अंदर और Xiaomi ने क्या कमाल करा है। 20,000 रुपीस की रेंज के अंदर 845 का Snapdragon प्रोसेसर, 630 का GPU Adreno का, 6GB और 8GB का वेरिएंट, मतलब स्टोरेज के अंदर 64GB, 128GB और 256GB के तीन वेरिएंट मिलेंगे। लेकिन प्राइस अगर बात करूं, लिक्विड कूलिंग, मतलब कि जो कूलिंग आपको गेमिंग स्मार्टफोन्स के अंदर मिलती थी, वो एक 20,000 की बजट के अंदर Xiaomi ने लाके आपको दे दी है। 20,000 की रेंज के अंदर आपको मिलती है लिक्विड कूलिंग और क्या कमाल की स्पेसिफिकेशन इस फोन के अंदर मिलती है। लेकिन लेकिन दोस्तों, आप एक प्रीमियम फोन क्यों खरीदते हैं? मैं इसको प्रीमियम फोन इसलिए बोल रहा हूं कि 845 का चिपसेट होना, इतनी बेहतरीन कॉन्फ़िगरेशन का होना, ये लगभग एक फोन को बना देता है प्रीमियम डिवाइस। जैसा कि पहले वन प्लस के बारे में जाना जाता था कि 18,000, 20,000, 30,000 की रेंज के अंदर एक धमाकेदार स्पेसिफिकेशन का देना, मतलब कमाल की स्पेसिफिकेशन एक कमाल के प्राइस टैग के अंदर, वही काम अब कर दिया है Xiaomi ने और 20,000 की रेंज के अंदर लेके आया है एक ऐसा फोन जिसने लगभग सबको किल कर दिया है। लेकिन जो मैं बात, लगभग आपने थंबनेल से आइडिया लगाया है कि क्यों किया पोको ने ऐसा, हम बात करने वाले हैं इस चीज के बारे में। एक चीज जो सबने बात करी है वो है इसकी बॉडी। तो दोस्तों, बॉडी के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि बॉडी के बारे में लगभग सभी लोगों ने बात कर ली है कि थोड़ा सा इसका डाउनग्रेड, मतलब प्लास्टिक की इसकी बॉडी है तो इतना पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन मैं बात करूंगा कुछ और चीजों के बारे में जो है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे पहली चीज जो मेरे नजर में है वो है मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस। जो भी इस लेवल का फोन लेता है उसका सबसे पहला पर्पस होता है कि दबा के एक हाई डेफिनेशन के अंदर अच्छी नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन प्राइम पे या गूगल प्ले की जो पिक्चर्स होती हैं उनको देखना। लेकिन बड़े दुख की बात है कि वो आप इस फोन पे हाई डेफिनेशन में नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये फोन वाइड वाइन सपोर्ट नहीं करता है। यानी कि जो कंटेंट आपको HD में देखना है वो आप नहीं देख पाएंगे। ऐसी प्रॉब्लम आई थी OnePlus के 5T के अंदर और दोस्तों, ये प्रॉब्लम जो है वो ठीक नहीं हो सकती है क्योंकि ये हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसके अंदर लेवल 1 का है वाइड वाइन और अगर मैं बात करता हूँ हाई डेफिनेशन चलाने के लिए वाइड वाइन 3 की पड़ती है जरूरत, तो ये अब फीचर इसके अंदर नहीं मिलेगा। तो अगर आप Amazon Prime या Netflix या फिर आप Google Play पे मूवीज देखते हैं तो आप हाई डेफिनेशन में इस फोन के अंदर वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे। बहुत ही सैड ये बात है और लगभग ये कंफर्म है कि इसका सॉफ्टवेयर से कोई अपडेट नहीं हो सकता है। तो ये हार्डवेयर एक फीचर है और आप इस चीज़ से तो बिल्कुल वंचित रहेंगे। अगर मैं दूसरी चीज़ की बात करता हूँ तो वो है Gorilla Glass 3। दोस्तों, Gorilla Glass 3 आज के टाइम में, जब Gorilla Glass 5 आ चुका है, 6 आ चुका है, तो ऐसे में Gorilla Glass 3, तो अगर आप एक रफ यूज़र हैं तो बिल्कुल भी इसको आप लेने के बारे में मत सोचिए क्योंकि अगर ये आपके पॉकेट से भी अगर ये गिर गया तो लगभग निश्चित है इसका टूटना। और MI के फ़ोन ज़्यादातर मैंने लोगों देखेंगे स्क्रीन जो है वो लगभग क्रैक होती है, उसमें एक मकड़ी के जाले की तरह वो, मतलब कि स्पाइडर उसके अंदर बन जाता है। तो ऐसे में आप नहीं चाहेंगे कि 20,000 की रेंज का फ़ोन आपका ऐसे टूटे। या तो आप अच्छे से कवर लगा के रखिएगा, अदरवाइज Gorilla Glass 3 जो है वो इतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं देता है। शायद यहाँ पर भी इन्होंने पैसे बचाने की कोशिश करी है, जैसे पीछे से इन्होंने बॉडी के अंदर बचाने की कोशिश करी है और ग्लास जो इसका थोड़ा सा बॉडी से बाहर है तो टूटने के इसके चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की तो फोन तो है बड़ा दमदार, लेकिन अगर वाइड वाइन की इसके अंदर नहीं मिल रहा है आपको सपोर्ट तो डेफिनेटली ये एक डिसअपॉइंटमेंट है। साथ में Gorilla Glass 3 की अगर मैं बात करूँ या फिर प्लास्टिक बॉडी की अगर मैं बात करूँ तो तीन चार चीज़ें ऐसी हैं और लोगों ने ऐसा ही बोला कि लिक्विड कूलिंग होने के बावजूद जो फोन काफ़ी गर्म हो रहा है। तो ऐसे में 4000mAh की बैटरी है तो थोड़ा सा गर्म होना बनता भी है इसका, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म में अगर आदमी यूज़ करता है 4000mAh की बैटरी होती है तो लंबे टाइम तक आदमी गेम खेलता है, पबजी वगैरह, तो ऐसे में फ़ोन थोड़ा सा गर्म हो जाता है। तो लिक्विड कूलिंग का ऐसा कोई खास इफेक्ट तो देखने को नहीं मिला अब तक किसी भी रिव्यू के अंदर। एनी हाउ, अगर आपका 20,000 का बजट है या फिर अगर आप 25,000 तक जाते हैं तो आप इस फोन के लिए जा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इस महीने में लॉन्च होने वाले कई ऐसे फोन जो लगभग इसको भी किल करने वाले हैं फॉर श्योर। बाकी दोस्तों, स्मार्टफोन्स में अंदर लगभग छिड़ चुकी है जंग, तो आने वाला टाइम होने वाला है काफी एक्साइटिंग। मैं आपको देता रहूंगा इसी तरीके की अपडेट। अगर आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।